वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट फॉर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जीडीएस पोस्ट के लिए जारी की गई है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो फॉर्म है वो आपके 27 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक अप्लाई किए जाएंगे और इसके लिए फ्रेंड्स जो डिटेल्स है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी jobrasta.com पर, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले जो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से चेक जरूर करें। यहां पर देखिए 27 जनवरी से 16 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। एडिट या करेक्शन की जो विंडो है वो 17 फरवरी से 19 फरवरी तक आपके यहां पर चालू रहेगी। आपके जो फ्रेंड्स सैलरी है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, साथ में फ्रेंड्स आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा उसकी जानकारी भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट 18 से 40 साल है जो कि लास्ट डेट पर आपकी काउंट होने वाली है और आपको अपर एज में यहां पर छूट मिल जाती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th क्लास पास आउट होना जरूरी है, कंप्यूटर की नॉलेज, साइकिलिंग की नॉलेज आपको होना जरूरी रहेगा अप्लाई करने के लिए। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो यहां पर देखिए आपको जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज हैं या आपकी सर्कल वाइज वैकेंसीज हैं वो आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टैब पर आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पेज पर आप जाएंगे। यहां पर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहां पर आपका मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद उस मोबाइल नंबर को आपको वैलिडेट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर देंगे आपकी मेल आईडी, तो आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो आप यहां पर एंटर करेंगे और उसके बाद यहां से उसे भी वैलिडेट कर लेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए आपकी जो भी मेल आईडी है, जो मोबाइल नंबर है उस पर फ्रेंड्स एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी यहां पर डालकर आपको सबमिट ओटीपी करना होगा। इसके बाद है आपका फ्रेंड्स नाम, तो फ्रेंड्स आपका जो भी नाम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। आपका फ्रेंड्स जो फादर नेम है वो आपको यहां पर एंटर करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है मींस डीओबी है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर जेंडर सेलेक्ट करना है, इसके बाद कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, कौन सी आपकी कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, किस सर्किल से आपने 10th पास की है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा, ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका वो आपको यहां पर देना है, कब आपने इसको पास किया है, और जो एक कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप दिए गए सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपके 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप दे सकते हैं। पीएच कैंडिडेट अगर आप है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी सेलेक्ट कर सकते हैं, उस कैटेगरी में आपकी सब ऑफ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। अगर आपको नहीं पता आपकी सब टाइप ऑफ कैटेगरी क्या है तो आप यहां पर इन ऑप्शन पर आकर चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में कौन सी आपकी सब कैटेगरी रहती है, नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। लैंग्वेज फ्रेंड्स आपको बतानी है जो कि आपने पढ़ी है सेकेंडरी स्कूल लेवल तक, वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप इसे ओके कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एम्प्लॉयड है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहां पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहां पर फ्रेंड्स जो फाइल का साइज है वो आपको यहां दिया गया है, जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्किल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी फ्रेंड्स आपको यहां पर एंटर करनी है। ओटीपी फ्रेंड्स यहां पर एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स जो ये कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड आपको फिल करना होगा और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद फ्रेंड्स आप इसे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो फ्रेंड्स स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले है आपका एड्रेस सेक्शन, तो फ्रेंड्स आपका देखिए जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहां एंटर करेंगे। इसके बाद आपको स्ट्रीट यहां पर देनी है, क्या स्ट्रीट का नाम है, आपका जो नॉर्मल एड्रेस है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपकी सिटी या विलेज का है, तो सिटी या विलेज आप मेंशन करें, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको देना है और आपका पिन कोड आप यहां पर मेंशन करेंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक करें, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। इसके बाद आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने ये पास किया है। अब बोर्ड सेलेक्ट करते वक्त आपको ऑप्शन देखने हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई सेलेक्ट कीजिए। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इंडियन सर्टिफिकेट है आपके पास, सेकेंडरी एजुकेशन विद 7 सब्जेक्ट, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट ओपन स्कूल से आपने किया है तो आप इसे सेलेक्ट करें। तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी ऑप्शन आपका यहाँ पर एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो आपको उस ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रिजल्ट टाइप सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके नंबर्स की एंट्री करनी है, आपके इंग्लिश में कितने नंबर्स हैं, आपके हिंदी में कितने नंबर्स हैं, मैथ में कितने नंबर्स हैं,
साइंस में कितने नंबर्स हैं और सोशल साइंस में आपके कितने नंबर हैं वो आपको देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑप्शन है, थर्ड लैंग्वेज आपकी कोई है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप जो यहाँ पर सर्कल में जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको फ्रेंड्स आपके नंबर्स की यहाँ एंट्री करनी है, आपका CGPA स्कोर है तो आप CGPA की एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेफरेंस का, तो सबसे पहले यहाँ पर है डिवीजन अप्लाइंग फॉर, तो आप किस डिवीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जिस भी डिवीजन के अप्लाई कर रहे हैं आप उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो फ्रेंड्स जो ऑफिसेज हैं वो आपको मिल जाएंगे, इसमें आपको देनी है प्रेफरेंस, तो आपको फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। आप चाहें तो इस डिवीजन के लिए एलिजिबल वैकेंसीज को भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है तो आप इसको एक नंबर दे सकते हैं, इसके बाद मान लीजिए आप यहाँ पर इसके लिए करना चाहें तो आप दो नंबर दे सकते हैं, इसके बाद वो सेकंड पेज भी मिल जाता है तो आप यहाँ पर भी अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड जो प्रेफरेंस है ये आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करनी होगी, आप जितनी भी प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहें वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो आप यहाँ पर एंटर कर देते हैं। इस प्रेफरेंस को एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स नीचे ऑप्शन मिलता है आपको देखिए सेलेक्ट सर्किल का और सेलेक्ट डिवीजन का, जो कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का, मतलब आपका जो फॉर्म है वो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर सबमिट हो गया है। तो जैसा फ्रेंड्स आप यहां पर देख रहे होंगे आपको फ्रेंड्स प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहां से फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट जो है वो सेव करके अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा नीचे आने पर फ्रेंड्स आपको देखिए ऑप्शन मिल जाता है जिस भी आपने यहां पर डिवीजन के लिए प्रेफरेंस दी है वो आप यहां चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो जितने भी डिवीजन के लिए प्रेफरेंस यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको प्रिंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके जो प्रिंट आउट है उसको निकाल कर अपने पास रख लेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स जो प्रोसेस है अप्लाई करने की वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा 10th क्लास पास आउट कैंडिडेट यहां पर एप्लीकेबल है और आपने फ्रेंड्स जो लोकल लैंग्वेज होती है आपके उस सर्किल की वो फ्रेंड्स आपने एज ए सब्जेक्ट सेकेंडरी स्टैंडर्ड तक पढ़ा हो, एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये आपका फ्रेंड्स मैंडेटरी रहेगा अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है इसके अलावा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्योंकि सिलेक्शन जो है वो फ्रेंड्स बेसिस ऑफ मेरिट है, मतलब मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी और अदर क्राइटेरिया आपका यहाँ पर नहीं है, तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स मैंने